Hello everyone. Now we are going to start amendment in the constitution. हमने already discuss किया है कि जो parliament है वो constitution को amend कर सकता है but the bill to amend or changes in the constitution requires a special majority in the parliament. लेकिन अगर कोई भी changes लेके आने constitution में तो आपको एक स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट में. फॉर एग्जाम्पल यूजुअली फॉर सम चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन आर 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी. जब भी यूजुअली आपको कोई भी चेंजेस लेके आने होते हैं संविधान में तब आपको 2/3 लोग वहाँ पे चाहिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी के अकॉर्डिंगली. लॉज फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी नो आर्बिट्रेटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है पावर का जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए आर्बिट्रेरी हो. ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में हर पर्सन इक्वल थे. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियन कास्ट एंड जेंडर. हमारे यहाँ पे जो कानून है वो लोगों को उनके धर्म जात और पात के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. दैट इज़ ऑल लॉज विल अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. जितने भी कानून हैं कंट्री के हर एक सिटीजन्स के ऊपर इक्वली अप्लाई होंगे, कोई भी इस कानून से ऊपर नहीं है. द पार्लियामेंट मेक लॉज अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल. जो पार्लियामेंट है वो ऐसे कानून बनाता है जो लोगों की ज़रूरत और मांगों के अकॉर्डिंग हो. इसीलिए जो सिटीजन का रोल है वो बहुत क्रूशल है जो कि पार्लियामेंट को फ्रेम करने में हेल्प करता है अलग अलग कंसर्न्स को अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग. हर स्टेज पे जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है इसका वॉइस सिटीजन का वॉइस ही होता है और बहुत क्रूशियल एलिमेंट है. द प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन. आर्टिकल 52 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है कि जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है. क्वालिफिकेशन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फॉलोइंग क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. उसने कम से कम 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो. वो क्वालिफाइड होना चाहिए चुनाव के लिए और पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए. चुनाव के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ पार्लियामेंट मेंबर. He must not hold any office of profit under the government of India. Government of India में कोई भी ऐसा ऑफिस ने ज्वाइन नहीं किया हुआ हो जो कि प्रॉफिट के लिए हो, या जो गवर्नमेंट का कोई सा भी स्टेट है या लोकल, या तो स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी का भी इसका उसमें भी कोई हक नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज आर्टिकल 54 और 55 जो है वो एक ऐसे प्रोसीजर है जो इलेक्शन ऑफिस को प्रोवाइड करवाते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट होंगे. एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज से मिलके बना होता है जिनको भी प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है. जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्टेट में पॉपुलेशन ऑफ स्टेट उस राज्य की सारी जनता डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. सेंटर एमपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके टोटल वोट्स, और वो इक्वल होने चाहिए टोटल वोट्स जितने भी एमएलएस को इलेक्ट किया है उससे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज को उससे डिवाइड कर देना है. फिर पावर्स द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड टू द फॉलोइंग पावर. एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर, मिसलेनियस पावर, वेटो पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स. दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है. जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से कैरी आउट किया जाता है. ये जो पावर है इसमें प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल इंक्लूड होता है, और जितने भी दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं अटॉर्नी या जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक कमीशन, सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन, और सारे मेंबर्स इसमें आते हैं.
Next is legislative power. He has the power to summon and prorogue the parliament. वो पूरे पार्लियामेंट को सम ऑन भी कर सकती है और प्रोग्यू भी कर सकती है. वो लोग लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन भी लगा सकते हैं. वो ओपनिंग सेशन भी ले सकते हैं पार्लियामेंट के और उन लोगों को लोकसभा के मेंबर्स के लिए नॉमिनेट भी किया जा सकता है, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए भी नॉमिनेट किया जा सकता है. एक बिल जो है एक एक्ट की तरह हो गया है जिसमें प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है और उसके पास पावर होती है ऑर्डिनेंसेस को इशू करने की और पार्लियामेंट से फिक्सेशन ही नहीं है. फाइनेंशियल पावर. हिज रिकमेंडेशन इज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ मनी बिल. उसका रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में. उसका पूरा कंट्रोल होता है इंडिया की कंटिंजेंसी के ऊपर. ही कॉजेज द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन द लोकसभा. लोकसभा में बजट के प्रेजेंटेशन का एक कारण होता है और वही फाइनेंशियल कमीशन को अपॉइंट करता है जिससे कि टैक्स स्टेट का टैक्स शेयर ऑफ इनकम टैक्स टू स्टेट्स, इनकम में क्या शेयर है टैक्स से स्टेट्स का पता लगता है. नेक्स्ट वन इज जुडिशियल पावर. जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन जुडिशरी और दूसरे जजेस के जो चीफ जस्टिस है उनको सिलेक्ट करता है. ही और शी डिसमिस द जजेस. वो जजेस को डिसमिस भी कर सकता है और जो दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के वो रेजोल्यूशन पास करते हैं 2/3 मेजोरिटी जो भी मेंबर उनके सामने प्रेजेंट होते हैं. इफ ही और शी कंसिडर क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अराइज़न ही और शी कैन आस्क द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अगर उसके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट से भी एडवाइस ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है वो उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट करें लेकिन वो उनका ओपिनियन जान सकते हैं. ही और शी हैज राइट टू ग्रांट पार्डन टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट द डेथ सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन. उसके पास पूरा हक होता है कि किस तरीके से सस्पेंड किया जाए, रेमिट किया जाए या डेथ सेंटेंस लेके आया जाए. उसको पता है कि किस तरीके से जुडिशियल इम्यूनिटी को वो इंजॉय करता है. कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इनिशिएटिव वहाँ पर नहीं होगा ऑफिस में और ना ही किसी भी एक्सरसाइज के लिए उसको अपनी ड्यूटी के टाइम पे जवाब देना हो. यूजुअली इन अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम, जस्ट अ मिनट आई एम जस्ट चेकिंग द पीडीएफ. मिलिट्री पावर्स. द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया. जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के डिफेंस फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर होता है. जो प्रेसिडेंट है वो वॉर डिक्लेयर भी कर सकता है और पीस शांति भी लेके आ सकता है. ये सब पार्लियामेंट के अप्रूवल पे होता है और जो भी आर्म फोर्स के चीफ स्टाफ्स होते हैं काउंसिल की उनकी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है. चीफ स्टाफ, मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट्स ऑफिसर, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, इन सब के ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट ट्रेटीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सब प्रेसिडेंट के नाम पे बनाए जाते हैं. लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं. चेयरपर्सन, यूपीएससी के मेंबर्स, आर्म फोर्सेज, इन सबको अपॉइंट करते हैं. डिप्लोमेटिक पावर्स. जो भी इंटरनेशनल टेरिटरीज ट्रीटीज़ होती है, एग्रीमेंट्स नेगोशिएट होता है और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कंक्लूजन आता है. हाउ एवर इन प्रैक्टिस नेगोशिएशंस आर यूजुअली कैरिड आउट बाय द पार्लियामेंट मिनिस्ट्री. ये जो नेगोशिएशन है यूजुअली पार्लियामेंट मिनिस्टर्स के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू क्रेडिट कैरी किया जाता है कैबिनेट में, स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए. जो ट्रीटीज़ होती है सब पार्लियामेंट के लिए अप्रूवल दे देती है. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया का इंटरनेशनल फोरम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से इनका चीफली सेरेमोनियल फंक्शन है. इमरजेंसी पावर. ही हैज़ द पावर टू प्रोक्लेम एन इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ द थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. उसका एक इमरजेंसी पावर होता है डर के एक मैदान में, जिससे कि इंडिया का सिक्योरिटी हो सके. वो गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकता है आर्टिकल 356 और 365 के अंडर में. वो डिक्लेयर कर सकता है कि सिचुएशन अराइज हुई थी और इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट का जो डर था वो था.
मिसलेनियस पावर, वो किसी भी पब्लिक मैटर को इम्पोर्टेंस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट में और फ्रेम रूल्स लेके आ सकता है पब्लिक सर्विसेज कमीशन के लिए। वो ऑफिशियल्स के लिए अपॉइंटमेंट भी लेके आता है और जो दूसरे कमीशन है जम्मू एंड कश्मीर पर उनको कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द वाइस प्रेसिडेंट। वी विल लर्न दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।